शेखर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह पढ़ा लिखा होने के साथ शरीर से भी तंदुरुस्त था। अच्छी नौकरी नहीं मिलने के कारण वह गांव में ही खेती करने लगा। उसका खेत जंगल के पास था। उस जंगल में पक्षी बहुत थे और वह पक्षियों से बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि जैसे ही खेत में वह बीज बोकर घर चला आता, वैसे ही झुंड के झुंड पक्षी उसके खेत में आकर बैठ जाते और मिट्टी खोद खोद कर बोए बीज खाने लगते। शेखर पक्षियों को उड़ाते उड़ाते थक जाता है। उसके बहुत से बीज पक्षियों ने खा लिए होते हैं। बेचारे शेखर को दोबारा खेत में दूसरी बीज डालना पड़ता था। इस बार शेखर एक बहुत बड़ा जाल ले आया और उसने पूरे खेत पर जाल बिछा दिया। अब बहुत से पक्षी खेत में बीज चुगने आए और जाल में फंस जाते हैं। उसमें एक सारस पक्षी भी फंस गया था। जब शेखर जाल में फंसी पक्षियों को पकड़ने लगा तो सारस पक्षी ने कहा, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैंने आपकी कोई हानि नहीं पहुंचाई है। मैं न तो मुर्गी हूँ, न बगुला हूँ, न बीज खाने वाला कोई और पक्षी। मैं तो सारस हूँ। खेती को हानि पहुँचाने वाले कीड़ों को मैं खा जाता हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। शेखर तो गुस्से में था, लेकिन वह पढ़ा लिखा था। वह बोला, तुम कहते तो ठीक हो, किंतु आज तुम उन्हीं के साथ पकड़े गए हो जो मेरे खेत के बीज खा जाया करती है। तुम भी उन्हीं के साथी हो। तुम इनके साथ आए हो तो इनके साथ दंड भी पाओगे। तो सारस बोला, मैं तो अब आपके जाल में फंसा हूँ, जो सजा देंगे मंजूर होगा। अब शेखर सोचने लगा कि क्या करूँ। तब उसके मन में विचार आया कि क्यों न इसको पाल लिया जाए। अब शेखर सब पक्षियों को उड़ा देता है और सारस को लेकर घर चला जाता है। शेखर सारस को अपने साथ रखता है। अब सारस को भी शेखर के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। सारस बहुत ही जल्द शेखर के आचरण को समझ लिया। शेखर के साथ वह खेत की देखभाल करता, एक भी पक्षी को खेत में बीज चुगने नहीं देता। अब शेखर के खेत में अच्छी फसल होने लगती है और वह तरक्की करने लगा। इसी तरह समय समय बीतता गया। अब गांव के सभी लोग उस सारस पक्षी को देखने के लिए आने लगते हैं। सारस पक्षी अब काफी बड़ा हो गया था। वह लोगों को दौड़ा दौड़ा कर अपने और शेखर से दूर रखता है। इसी तरह समय और बीतता गया। अब सारस पक्षी की चर्चा दूर दूर तक होने लगती है। जब वन विभाग को इसकी जानकारी मिलती है तो वह शेखर के घर आते हैं और स्वयं देखते हैं सारस पक्षी को। फिर शेखर से कहते हैं कि ये चिड़िया घर में जाएगा, आपको मिलना होगा तो आप वहाँ किसी समय मिल सकते हैं। शेखर बहुत मिन्नतें करता है, पर विभाग वाले कहते हैं, इस सारस पक्षी को आप अपने घर नहीं रख सकते हैं। अब शेखर उदास हो जाता है।
उधर सारस पक्षी भी उदास होके शेखर के पास लिपट जाता है और वन विभाग के लोग उस सारस पक्षी को लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीख मिलती है, जो जैसों के साथ रहता है वह वैसा ही बन जाता है, इसलिए अच्छे दोस्तों के साथ ही रहना चाहिए, बुरे लोगों के साथ नहीं। दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।